हेलो एवरीवन, और सुबह सुबह हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे और देखते हुए नज़ारे गांव के, और चल रहे हैं ये पथरीली ज़मीन में। और देखो ये भेड़ बकरियां यहाँ पे चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम कितनी फ्रेश हवा यहाँ पे ले रहे हैं। और तभी मेरे हस्बैंड को दिखा कि नीचे वाली रोड पे कोई ऐसे जानवर दिख रहा है, जैसे बाघ है। तो वो कह रहे हैं ये बाघ है, तो लग रहा है कुछ कुछ बाघ जैसा। और बाघ यहाँ पर गांव में घूमते हुए नज़र आ ही जाते हैं। ये तो यहाँ पे गढ़वाल में जो है आम बात हो गई है पहाड़ों में, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं। और ये बाघ है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ दहशत तो ज़रूर हो गई है। तो भाई हमने बोला वॉक वॉक तो रहने दो, अब घर पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा डर लगा रहता है, कभी भी बाघ कहीं भी आ जाता है। हेल्प कर रहे हैं, ये देखो देवर भाभी की रोटी। वाह जी वाह, देवर ने बनाई है चूल्हे में फूली फूली रोटियाँ। और आज हमने दिन में बनाए हैं कढ़ी चावल। तो दीदी ला रही है सारा खाना बाहर, और भारी बैठ के खाएंगे सब। और मधुमक्खियां जो पाली हुई हैं घर के अंदर ही, देखो छत्ते बने हुए उनके, और बाहर से वो जाती हैं और अंदर बन जाता है शहद, और जब शहद हो जाता है तो अंदर से निकालते हैं। आपको दिखाते हैं कहाँ से निकालते हैं के जो है, और यहाँ से ये हटाते हैं और यहाँ से शहद निकालते हैं। ये है देखो शहद का, और एक ये है, यहाँ से निकालते हैं। ये लीप रखा इसको, और ये है देखिए घर के बाहर से हैं मधुमक्खियाँ आ रही हैं इसमें, और शहद बन रहा है अंदर। ये देखिए कम से कम ये जो होल है ना, 6-7 होल हैं, 3 इधर होल हैं, 3 उधर की साइड होल हैं, और फिर इनमें अभी तो फिलहाल 2 में ही शहद बनेगा, और बाद में जब शहद हो जाता है तो प्योर यहाँ की जड़ी बूटियों का शहद बनेगा। देखिए यहाँ की टेक्नोलॉजी गांव की। और ये है अंदर की तरफ का हिस्सा, और भाई साहब तैयारी कर रहे हैं शहद निकालने की, और उन्होंने एक कपड़ा ले रखा है जिसमें वो आग लगा रहे हैं ताकि वो धुआं कर, जिससे कि बॉक्स खोलेंगे तो धुएं से सारी मधुमक्खियां बाहर भाग जाएंगी। और इसके अंदर बनाव होता है बॉक्स टाइप का, तो भाई साहब ये मिट्टी इसकी झाड़ रहे हैं ताकि अंदर बॉक्स को खोला जा सके। और अब ये धुआं दिया जा रहा है ताकि जैसे ही बॉक्स को खोला जाएगा तो जितनी भी मधुमक्खियां हैं वो भाग जाएंगी। और ये देखिए अंदर देखिए शहद कितना सारा है, और इसको धीरे धीरे करके एक चाकू से काट के निकाल रहे हैं, और धुएं की वजह से सारी मधुमक्खियां बाहर भाग गई हैं। शहद के अंदर से
ये देखिए शहर निकाला है हमने, देखिए और ये भाई साहब ने हमारा पकड़ा हुआ है, ये देखो शहर और इस तरीके से वो छत्ता निकाल देते हैं। लेकिन सारे में शहद नहीं होता, कुछ शहद मक्खियाँ खुद भी खा लेती हैं। तो ये इतना है जिसमें शहद हमें मिला है, काफ़ी है और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। बहुत पहले मैंने बचपन में ये देखा था और खाया था, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है कि ताज़ा ताज़ा आप खाइए इसको। कितना कितना ये बिल्कुल शुद्ध शहद होगा। ऐसे करके इनको दिखाओ बच्चों को, इधर आओ देखो। और एक टुकड़ा शहद के पीछे सब टूट पड़े हैं अभी, क्योंकि इतनी अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा टेस्ट इसका शहद का लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में तो क्या है, नेचुरल चीज़ों का, ये नेचुरल जो फूल होते हैं उनका शहद है ये, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा आ रहा है इसे खाने में। और मक्खियों के डर से हम ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, लेकिन रहा नहीं जा रहा है तो और मांगने पहुंच गए हैं। क्या है ऊपर से ले ले, ऐसे खा ले और क्या है? ऐसे तो खा दे, आधा दे तो मिठाई की तरह लग रहा है। थैंक यू। और ऐसे मांग मांग के आधा से ज्यादा तो हम खा चुके हैं। शुद्ध फूल होगा। और इस तरह से शहद नीचे आता जा रहा है और उसे बोतल में भर रहे हैं और फिर इसको निचोड़ देंगे तो काफ़ी सारा शहद निकल जाएगा इससे। चारों तरफ मधुमक्खियां फैल जाती हैं, तो हमने दरवाजे खिड़की बंद कर लिए थे तो अब खोल दिए हैं। तो देखिए अब सारी मधुमक्खियां भाग गई हैं। और इधर बन रही है ये मैगी। हो रही है खाने की तैयारी और कुछ लोगों की हो रही है डांस की। Yeah.
Get it.